राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है, वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। छह इसमें ढाल है, पांचवी ढाल का वाचन चल रहा था। छंद नंबर चौथा असरण भावना। कल अपन ने देखा था कि असरण भावना में कविराज कह रहे थे कि जब यह जीव आयु कर्म समाप्त करता है, मरण को प्राप्त होता है, उस समय कुछ भी काम नहीं आता है। मतलब मरते समय कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई कितना भी करीब हो, कोई कितना भी यंत्र मंत्र से सहित हो, कोई कितना भी विद्याओं का स्वामी हो, वह मरते व्यक्ति को न तो जिंदा कर सकता है और ना ही मरते व्यक्ति को कोई बचा सकता है। तो यहाँ पर नाम भी दिए थे, चाहे सुर हो, असुर हो, खगादीप हो, मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, धन दौलत संपत्ति हो, शोहरत हो, परिवार हो, परिग्रह हो, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। एक बार पुनः इस छंद का पूरा अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। इस संसार में जो जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र अर्थात पक्षियों के राजा आदि हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार काल मृत्यु नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि मंत्र और जन तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता है। यह ऐसा समझना है कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है। आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा स्वान मुखता पूर्वक चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह असरण भावना है। इस छंद में अपन को दो बातें समझना है। पहले तो ये बात समझने कि देव सुरेंद्र असुरेंद्र कोई भी हमें बचा नहीं सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो स्वयं भी नहीं बच सकते हैं। कोई देव है तो सोचे कि मैं अजर अमर रहूं सदा के लिए, तो वो भी नहीं रह सकता है। देव की अपनी आयु समाप्त होगी। देवेंद्र असुरेंद्र, जो असुरेंद्र हैं भवनवासी आदि के इंद्र हैं, उनकी भी आयु समाप्त होगी। पक्षियों के राजा हैं या मनुष्यों के राजा चक्रवर्ती हैं या फिर विद्याधर आदि हैं, वो भी जो हैं अपने को बचा नहीं सकते किसी भी चीज़ से। उनके पास शक्ति की कमी कुछ भी नहीं है। क्या शक्ति की कमी बताओ। एक देवेंद्र जो होता है वो ऐसे ढाई दीप को, कितने ढाई दीपों को उल्टा कर दे, पटक दे, उठा करके फेंक दे। सुमेरु पर्वत को तो ऐसे ही उंगलियों में घुमा दे, इतनी ताकत इतनी शक्ति होती है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस मृत्यु के लिए वो स्वयं भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। सर्वार सिद्धि के देव हों, चाहे बड़े अहमेंद्र हों, चाहे असुरेंद्र हों, चाहे विद्याधर हों, चाहे चक्रवर्ती हों, चाहे राजा महाराजा योद्धा महायोद्धा हों, कोई भी हो, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कोई भी हो, अपनी आयु कर्म को वह बढ़ा नहीं सकता और ना ही अपनी मृत्यु से अपने को बचा नहीं सकता।
ये अटल सत्य है। इस अटल सत्य को जो स्वीकार जितनी जल्दी कर लेता है वो उतना ही सुखी हो जाता है, और जो जितनी देर में स्वीकार करता है वो उतना ही दुखी रहता है। दुखी होने का कारण तो यही है, हम मरना नहीं चाहते हैं। संसार में चारों गति में जीव मरना नहीं चाहता है, लेकिन जो इस बात को स्वीकारता नहीं है वो दुखी होता है। और जब पता है कि भाई मरना शाश्वत है, शरीर छोड़ना शाश्वत है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, और इसी को अपने अशरण भावना का, शरीर की शरण कब तक लेंगे? जब तक आयु है, फिर शरीर छूटेगा। यदि हमारी 100 वर्ष की उम्र है तब तक ही तो रह पाओगे शरीर में, इसके बाद आयु कर्म छूटी तो शरीर भी छूट गया, शरीर भी विदा हो गया, ठीक है ना। तो ये बात को जानना है कि जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवी देवता आदि भी अजर अमर नहीं हैं, तो फिर हम जैसे लोग कैसे अजर अमर हो सकते हैं? हर पल मरते हैं, हर पल मरते हैं। एक एक श्वास का घटने का नाम मरण है, और संपूर्ण श्वास समाप्त हो जाने का नाम जो है पूर्ण मरण है। तो एक एक मिनट मिनट, एक एक सेकंड सेकंड में हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं, एक एक समय में मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इस बात को स्वीकार करें, इस सत्यता को स्वीकार करें। मैं फिर ऐसी शरण में नहीं जाना चाहता हूँ जो शरण हर पल छूट रही है, हर पल विदा हो रही है मेरे से। मुझे तो अपनी अप्पा अप्पम्मी रदो, ठीक है ना, अप्पम शरणम पवज्जामी, क्या व्यवहार से, चत्तारी शरणम पवज्जामी। मैं व्यवहार से जो चार शरण हैं, सिद्ध की शरण, अरहंत की शरण, साहू की शरण, आचार उपाध्याय साधु की शरण, और केवली प्रणीत जो धर्म है उसकी शरण को जाता हूँ, ये मेरा व्यवहार है। निश्चय से अप्पम शरणम पवज्जामी। मैं आत्मा की शरण, कौन सी आत्मा, किसकी आत्मा, अरे अपनी ही आत्मा, अपनी स्वयं की आत्मा, उसकी ही शरण में मैं जा रहा हूँ। और ऐसी शरण जो अनादि अनंत है, जो शाश्वत है, अहेतुक है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है अशरण, शरण खोजी जाती है मृत्यु से बचने के लिए, आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए। पहले तो अपन को ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति शरण क्यों खोजता है, अपने को बचाने के लिए। जैसे कोई बच्चे को पकड़ रहा हो या मार रहा हो तो वो माँ की शरण खोजता है, भागता है और माँ की गोदी में जाके बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि पता है माँ के पास मैं सुरक्षित रहूँगा, अब मुझे यहाँ कुछ छेड़ नहीं सकता है। जानवर के बच्चे भी देखो भागते किसके पास हैं, अपनी माँ के पास भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। बंदर के बच्चे होते मंकी के, कहाँ भागते हैं, छोटे बच्चे भाग के माँ से चिपक जाते हैं। माँ एक छलांग लगाती है तो वो अपनी माँ को पकड़े रहता है। क्यों? क्योंकि पता है कि माँ मुझे मरने नहीं देगी। तो ये शरण खोजी जाती है मृत्यु से बचने के लिए। तो संसार में जो भी व्यक्ति शरण लेता है, मकान की शरण आपने क्यों ली, धन की शरण आपने क्यों ली, परिवार की शरण आपने क्यों ली, ये जितनी भी हमने शरण बाह्य ली हैं वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु से बचने के लिए ली हैं। आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए दी हैं। आपने जैसे कि पंखे की शरण ली, एसी की शरण ली, क्यों? बहुत आकुलता व्याकुलता थी, उसकी शांति हो जाए और सुख मिल जाए, इसलिए शरण ली। सुनो, हमने मंदिर की भी शरण क्यों ली? अपनी आकुलता व्याकुलता को मिटाने के लिए। हमने देव शास्त्र गुरु की भी शरण क्यों ली? अपनी आकुलता व्याकुलता को मिटाने के लिए। तो आकुलता व्याकुलता से बचकर के सुखी होने के लिए शरण ली जाती है, ठीक है। दो शरण बता दी हमने आपको, एक तो मृत्यु से बचने के लिए, और दूसरी जो हमारे अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत अशांति है, बहुत विषाद है, अवसाद है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम, और सुखी होने के लिए क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक पदार्थों की जो व्यक्ति शरण लेता है
हम उससे सुखी हो जाएंगे, तो भैया उससे कभी सुखी नहीं होते, इस बात का भी भ्रम अपने मन से निकाल लेना, ठीक है ना। यदि हम सच्चे परमात्मा देव शास्त्र गुरु की भी शरण ले लें तो चलो आप वहाँ कुछ सुखी भी हो सकते हो, लेकिन भौतिक पदार्थों से कभी सुखी नहीं हो सकते हो। तो शरण खोजी जाती है मृत्यु से बचने के लिए, आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए। परंतु परिजन, स्थान, शक्ति, धन, दल, डॉक्टर, दवाइयाँ, मंत्र, तंत्र, कल्प वृक्ष, ये सब जीव को अशरण रूप हैं। क्या हैं ये? शरण नहीं हो सकती हैं। जिसको तुम शरण मान रहे हो वो शरण है ही नहीं है, ये तो अशरण है, कभी भी तुम्हें पूर्ण शरण दे ही नहीं सकते हैं। सुनो, जैसी मरते हो ना, सभी लोग मिलकर के तुम्हारे इस शरीर को चिता में दे देते हैं, आग लगा देते हैं, इसका एक कण भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर। शमशान घाट में तुम्हें स्वाहा कर देते हैं, एक परमाणु भी तुम्हारा ना बचे यहाँ पर याद के लिए। तो बोलो, वो भी उठा के तुमको बाहर फेंक देते हैं। आपको भ्रम है स्वजन परिजन हमारे साथी हैं, हमें तो सच्ची शरण देंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। कोई नहीं रखता भाई साहब, जीवन में भी नहीं और जीवन के बाद भी नहीं, क्योंकि जीव स्वयं अशरण रूप अर्थात असहाय रूप है, उसे किसी की सहायता मिल नहीं सकती और उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ये शाश्वत सिद्धांत है। सभी भौतिक पदार्थ अशरण रूप हैं, तो उनकी शरण तो मिलना बहुत मुश्किल बात है, वो स्वयं अशरण है। और अब जीव स्वयं अशरण है, असहाय है, बताइए किसके सहाय है जीव? अनादि से अनंत काल किसके सहाय था? ये चैतन्य के सहारे है, अचेतन के सहारे नहीं है। अचेतन के सहारे तो इसकी मजबूरी है, वो अचेतन को छोड़ नहीं रहा है, इसलिए अचेतन साथ साथ है। लेकिन अचेतन को छोड़ दे तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि हो गए, सिद्ध परमात्मा किसके सहारे हैं? अपने आत्मा के सहारे हैं। तो जीव का स्वभाव अशरण है। कैसा है? शरण नहीं है। ये तो अज्ञानी जीवों का विभाव है कि वो शरण में रहते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव अशरण रूप अर्थात असहाय है, सहाय नहीं है। जैसे केवल ज्ञान असहाय है, उसे जानने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी प्रकार जीव भी असहाय है, उसे किसी की सहायता मिल नहीं सकती है, कभी भी उसे किसी की सहायता मिल नहीं सकती है, इस बात का ध्यान रखना, और उसे किसी की सहायता की जरूरत भी नहीं है। बोलो, कितनों को जरूरत है दूसरों की? नहीं है ना, ये जानो। देखो यहाँ क्या लिखा है, जीव का यह मानता है कि मुझे कोई ना कोई बचा लेना, मेरे पास सब साधन उपलब्ध है, मुझे कैसे कोई मारेगा, इसलिए वह जीवन भर उन साधनों को जुटाने में ही लगा रहता है, धन, नेटवर्किंग आदि। ये भ्रम में जीता है, इसलिए ये सब काम करता है कि कोई ना कोई तो लास्ट मुझे बचा ही लेगा, इसलिए सबके साथ चलो, कोई ना कोई साधन तो मुझे बचा ही लेगा, इसलिए साधन इकट्ठे करो, तो कोई भी साधन इकट्ठे कर लो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। तो ये हम साधन जुटाते हैं हम अपनी गलत दृष्टि से, गलत भ्रम से। लिखा है, अशरण भावना तैयार करवा रही है कि कुछ भी हो मरते न बचावे कोई। ये हमारे अंदर भाव पैदा कर रही है कि तुम कुछ भी हो, इस बात को मैं बिल्कुल मोहर लगा दो और बिल्कुल बांध लो बात है कि कुछ भी हो मरते न बचावे कोई, कोई भी मरते हुए नहीं बचा सकता है और कोई भी मरते हुए नहीं बच सकता है, कोई भी मरते हुए नहीं बच सकता है और कोई भी मरते हुए के बचा नहीं सकता। समझ में आया ना? हर जीव को संसार में जिसने आयु कर्म बांधा है उसे मरना पड़ेगा, और कोई भी साधन और कोई भी सहायक या साधक हमें बचा
नहीं सकता है। आप स्वयं प्रयोग करके निगाह डाल करके देख लीजिए। यदि आपको हम पर माँ जनमानी पर प्रभु की बात पर यदि यकीन ना हो, श्रद्धा ना हो, तो आप स्वयं प्रयोग करें। आपके आसपास लोगों को देखें कि कितने लोग हैं, कितनों को बचा पाते हैं, कितने साधन हैं, कितनों की रक्षा कर पाते हैं। डॉक्टर भी लास्ट में कह देता, भाई अब तो परमात्मा का नाम लो, भगवान का नाम लो, वही चमत्कार कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी तो अब उम्मीद छोड़ दो। लास्ट में यही डॉक्टर कहता है ना, और क्या कहता है, आई एम सॉरी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो वो हाथ खड़े कर देता है, बताइए क्या कमी है साधनों की। डॉक्टरों के पास दवाई भी है, सब कुछ है, और बड़े बड़े यंत्र हैं, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब हमारी बस की नहीं है, आप इसे घर ले जाओ, अब तो भगवान का नाम भजो, यदि हो जाए चमत्कार तो ठीक है, और नहीं तो फिर विदा। बोलो, डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जोशियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारे वास्तु वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारे तांत्रिक लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ओहो, खड़े तो होना ही होना है, क्योंकि कोई किसी को बचा नहीं सकता है। ये अटल सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत है, इसे कोई भी काट नहीं सकता है। क्या लिखा है देखो, तो क्या करें हम मर जाएं, ऐसा व्यक्ति बोल सकता है ना, लिखा ना, क्या करें तो हम मर जाएं, नहीं सुनो, देह की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना योग्य है। देह में बीमारी हो जाए, असाता आ जाए, तो आप उसकी रक्षा करो, आप दवाई लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप इसका ध्यान रख सकते रखो। पर यह सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है कि देह के छूटने पर कोई भी बचा नहीं सकता। ये सम्यक ज्ञान इतना तो रहना चाहिए ना दिमाग में, मन में, आत्मा में, कि हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए साधनों से ज़्यादा साधना पर ध्यान दिया जाए। क्या अश्रम भावना सिखा रही है, साधनों से ज़्यादा साधना पर ध्यान दिया जाए, केवल धन आदि जुटाने में नहीं लगा जाए। चिंतन करना, मंथन और मनन करना, शेष बातें और होंगी तो कल चर्चा करेंगे। आइए स्वाध्याय को संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनॉट प्लेस नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली, जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।